ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? वही कह रहा हूँ जो मुझे कहना चाहिए सलोनी। मैं इसे इस नरक में एक पल और दर्द उठाने नहीं दूंगा। चलो क्या यहाँ से चलो। भाई साहब मैं नहीं जाऊंगी। मैंने इनसे अपनी पसंद से शादी की थी, मैं इनका साथ नहीं छोड़ सकती। आज तुम्हें फैसला करना होगा पिया, अपने भाइयों और इसमें से किसी एक को चुनना होगा। बोलो पिया, जवाब दो मुझे। तुम्हारी खामोशी ने मुझे तुम्हारा जवाब दे दिया है। चलो सलोनी। हम चलते हैं। पिया का ध्यान रखिएगा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। देखिए आप, पिया का भाई आया था मुझे भीख देने। मैंने भी साफ साफ कह दिया कि मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। These rich people, हर बात में अपने पैसे की धौंस जमाते हैं। अम्मा, आप ही बताइए, क्या मैंने कोई गलती की है? बस इस मुसीबत की घड़ी में उसका साथ ही तो दिया है मैंने। नहीं बेटा नहीं, चुप हो जाओ बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं। अभी क्या बात है मनु भाभी? अभी को देखा कहीं? क्यों, अपने कमरे में नहीं है? नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी बात से नाराज होकर वापस? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कावेरी, कावेरी क्या हुआ मनु भाभी? अभी पता नहीं कहाँ चला गया। तुमसे कुछ कहकर गया है क्या? जी ना कहकर गया ना कुछ पूछा है, बेकार मुझे डिस्टर्ब किया। मॉम, मॉम, जल्दी से मुझे मेरा जूस दे दीजिए। जूस और बादाम का दूध दीजिएगा, पहाड़ से पत्थर तोड़ के आए, सेवा तो चाहिए। बेटे तो कहाँ चला गया था? अरे इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ये देखिए पैच। इसलिए मैंने जॉगिंग कराने गया था ताकि हमारी तरह फिट एंड फाइन रह सके। मॉम, अब रो क्यों रही है? तू नहीं समझेगा बेटा, तू आराम कर, मैं तेरे लिए जूस लेके आती हूँ। इस घर की सभी माओं की आंखों में आंसू के टैंक हैं या फिर मेरी मॉम कुछ स्पेशल है? क्या हुआ ब्रजेश? सलोनी, सब ठीक तो है ना? श्रीधर मान गए ना? और मेरी पिया, वो आज के बाद इस घर में कोई पिया का नाम नहीं लेगा।
आज उसने हमें दिखा दिया कि उसका हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं। जब बात भाइयों और श्रीधर में से किसी एक को चुनने की आई तो प्रिया ने अपने पति का साथ दिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुझे कितना बुरा लगा होगा। ओ ब्रजेश, ये कैसी भूल कर बैठे तुम? प्रिया के सामने ऐसी शर्त रखी ही क्यों कि जिसमें से उसे पति या भाई में से किसी एक को चुनना पड़े? आपको भी लगता है कि मैंने जो कुछ भी किया गलत था? ब्रजेश, प्रिया किसी की पत्नी है, उस पर हमारा पहले जैसा अधिकार नहीं है। बेटी को ब्याहते वक्त हम उसे किसी के हवाले जरूर कर देते हैं, लेकिन उस इंसान को हम ये अधिकार नहीं देते हैं कि वो हमारी बच्ची की जिंदगी बर्बाद करते हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आज के बाद पिया के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। अगर पिया अपने भाइयों के बिना जी सकती है तो हम भाई भी ये सोचेंगे कि पिया नाम की कोई बहन ही नहीं थी हमारी। प्लीज भाई साहब ऐसा मत कहिए, पिया खुद मजबूर है, वो सिर्फ पत्नी होने के नाते अपना धर्म निभा रही है। हम सबको खुद को पिया की जगह रखकर सोचना होगा। बस सलोनी प्लीज, मैंने कह दिया ना, मैं इस घर में पिया का नाम नहीं सुनना चाहता। नाहर, प्लीज भाई साहब को समझाइए, पिया ने वही किया जो इस हालत में कोई भी लड़की करती। I'm sorry, sir. मैं इस मामले में भाई साहब के साथ। मेरे घर में रहना है तो वही करोगे तुम जो मैं चाहता हूं, और अगर अपनी जिद पूरी करनी है तो शौक से अपने भाइयों के घर जा सकती है। दिस इज माय लास्ट वार्निंग प्रिया। प्रिया बेटे, मैं इस घर का बड़ा हूं, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अपने काम पर जाओ। मैं देखता हूं कौन रोकता है तुम्हें। हेलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई समर का पर्सनल फोन उठाने की? क्योंकि समर यहां नहीं। देखो तानिया, मैंने उस दिन भी तुम्हें समझाया था कि मेरे पति से दूर रहो, लेकिन लगता है तुम्हारी ये बात समझ में नहीं आई। मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह से जानती हूँ। नौकरी तो बस एक बहाना है, एक रईस आदमी को फांस कर अपना फ्यूचर संवारना चाहती हो तुम। किसी का घर टूटे तुम्हें उससे क्या, राइट? वो बजट ब्रेकडाउन रेडी है? ये क्या है? माय रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन? लेकिन क्यों?
सॉरी सम, लेकिन तुम्हारी वाइफ को मेरा तुम्हारे साथ काम करना पसंद नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि मैं ये जॉब छोड़ दूं। देखो ऐसी बात नहीं, यू नो कावेरी इज प्रेग्नेंट, छोटी छोटी बातों पे हाइपर हो जाती है। नहीं सम, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी का घर टूटे। देखो मैं नहीं चाहता किसी की बेबुनियाद बातों में आकर मैं एक एफिशिएंट कलीग को खो दूं। लेकिन तानिया तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, तुम अपने कैबिन में जाओ, रिलैक्स करो, हम इसके बारे में कल बात करते हैं, ओके? चल। लेकिन समर, ये तुम्हारे बॉस का ऑर्डर है, नाउ गो। भाभो आप ही समझाइए इन दोनों भाइयों को कि उनकी बहन ने उनका अपमान नहीं किया है। पिया तो वही कर रही है ना जो एक शादीशुदा औरत को करना चाहिए, अपने पति का साथ दे रही है वो। भाभो अब तुझे क्या बताऊं सलोनी, इन दोनों भाइयों के रगों में दौड़ता ये राजपूती खून कभी कभी गुस्से में इतना अंधा कर देता है कि सही गलत का फर्क भी नजर नहीं आता। थोड़ा समय गुजर जाने दे, उनका गुस्सा शांत हो जाने दे। लेकिन तब तक भाभो पिया का क्या होगा? परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, पिया वो ही करेगी जो सही है। और ये ना भूल सलोनी, पिया के साथ हम सबकी दुआएं हैं, माता महाराज का आशीर्वाद है। ये देखो, ये मैंने शॉपिंग की है अभी के लिए, देखो ये रंग कितना अच्छा है, नहीं? अरे हंस क्यों रही? अरे मन्नो भाभी, आपका बेटा बड़ा हो गया है, ये कपड़े तो बच्चे पहनते हैं। अरे दाऊ में मेरी तो मत मारी गई है, तुम ठीक कह रही हो देवरानी साहब, क्या करूं? मेरी आंखों में तो उसी अभी की तस्वीर बसी है जब उसके पापा उसे मुझसे दूर लेके चले गए थे। बचपन में तो उसके लिए कुछ खरीद नहीं सकी, और आज जब मौका मिला है तो देखो क्या खरीद लाई। ये तो अच्छा हुआ कि खिलौने नहीं ले आई दो चार। ला दे दे। अच्छा किया तूने मुझे बता दिया, अब मैं ये वापस करके अच्छी सी कमीज ले आती हूँ, नहीं तो आके बोलेगा ओल्ड लेडी। चल मन्नू भाभी, आपके लिए एक और काम करना बहुत जरूरी है, वो भी अभी। क्या? अरे सारी दुनिया के लिए रिश्ते ढूंढती फिरती है, अपनी बेटी की शादी नहीं करनी है क्या? थारी थाउने, ये तो तूने बड़ी पते की बात की, अब तो मेरी भी सास बनने की बारी है। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से बहू की तलाश शुरू कर दीजिए ना। अरे हाँ याद आया, अभी कह रहा था मुझे लगता है शायद उसे कोई लड़की पसंद है। कौन है वो लड़की? वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि वो किसी राजकुमारी या परी से कम नहीं होगी। भाई आखिर मेरे बेटे की चॉइस है। सब अगर आपको ये डिजाइन पसंद नहीं है तो आपको दूसरा रेडी मिल जाएगा। कब मिल जाएगा? मेरा प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद। एक तो इतना टाइम लगा दिया आपने, ऊपर से इतने बकवास डिजाइन आपने बनाया, ये कोई डिजाइन है? सर प्लीज मेरी बात मानिए, आपको बहुत जल्दी ऐसे डिजाइन मिल जाएंगे जो आप अपने एड कैंपेन के लिए यूज कर सकते हैं। नो नीड, मुझे आपके साथ काम ही नहीं करना। एक्सक्यूज मी सर, मेरे कलीग के साथ इस तरह से बिहेव करने का आपको कोई हक नहीं है। ओ, तो आप ही इन्हीं का साथ देंगे और ये आपकी कंपनी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि आज के बाद आपकी कंपनी के साथ मैं अपना अकाउंट बंद कर रहा हूँ। दैट्स योर विश जेंटलमैन। अभी ये क्या क्या तुमने, अगर उन्होंने सच में अकाउंट बंद कर दिया तो दूसरा मिल जाएगा। एंड बाय द वे, इनका अकाउंट आपके आंसुओं से ज्यादा कीमती नहीं है। एक मिनट, इन आंसुओं को जमीन पर गिरने मत दीजिए, मेले हो जाएंगे। गलत डायलॉग, आंखें नहीं पैर, इन पैरों को जमीन पर मत। क्या फर्क पड़ता है डायलॉग गलत हो या फिर सही, इस बहाने आपके फेस पे स्माइल तो आएगी।
हाय कावेरी। क्या बात है? आज मूड ऑफ है? क्यों बिला वजह अपने आपको परेशान करती हो कावेरी? वजह है समर, जीती जागती वजह। मुझे उस तानिया के नाम से भी नफरत है। पहले भी मैंने तुमसे कहा था उसे ऑफिस से निकाल दो, लेकिन वो खुद रेजिग्नेशन लेकर आई थी आज, लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो क्या मैं जान सकती हूँ ये मेहरबानी क्यों? फॉर गॉड सेक कावेरी, हम दोनों साथ में काम करते, शी इज अ गुड वर्कर, दैट्स इट। और तुम्हें किस बात की इनसिक्योरिटी? तुम जानती हो मैं अपने प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को मिक्स नहीं करता। तो क्यों ये बात उस लड़की को समझ में नहीं आती? कावेरी मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ऐसा कुछ कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जो करना है वो मैं करूंगी, क्योंकि तुमसे कुछ होने वाला नहीं। अगर मैंने उस चुड़ैल को तुम्हारे नजदीक भी देख लिया तो उसका मैं वो हाल करूंगी कि वो आईने में अपनी शक्ल भी नहीं पहचान सकेगी। बकवास बंद करो कावेरी, अगर तुम्हें ये मत सोचना कि मैं प्रेग्नेंट हूं और घर में इसी तरह से पड़ी रहूंगी और तानिया जैसी लड़कियों को मौके का फायदा उठाने दूंगी। देखो कावेरी, देखो तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? हाँ या ना? तो फिर बाबा अपने आपको इतना स्ट्रेस क्यों देती हो तुम? अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं कान पकड़ता हूं, कहो तो उठक बैठक कर लेता हूं। मेरी झूठी प्रेगनेंसी एक ऐसा हथियार है जिसे मैं जब चाहूं इस्तेमाल कर सकती हूं और इसका वार कभी खाली नहीं जाएगा। एक्सक्यूज मी, आपने मुझे बुलाया? हाँ भैया, ये तुम्हारी। ये क्या है? खुद खोल के देख। ये तुम्हारी पहली इनकम है। यार तुम्हारी सैलरी नहीं, वो भी मिलेगी तुम्हें, लेकिन तुमने इतने कम वक्त में अपने बलबूते पे हमारी कंपनी को जो फायदा दिया है उसके लिए हमने डिसाइड किया है तुम्हें एक इंसेंटिव दिया जाए। खुश हो ना? जी। अरे पिया, आओ अंदर आओ। कैसी है भाभी साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अच्छी हूँ। अरे वो अच्छा हुआ तू आ गई, तेरे ही बारे में सोच रहे थे हम लोग। पिया अचानक आ गए, फोन भी नहीं किया। सब ठीक तो है ना? आज मैं आप सबका मुंह मीठा करने आई हूँ। किस लिए? मेरी पहली कमाई मिलने पर मैं अपने भाई साहब का आशीर्वाद लेने आई हूँ, क्योंकि उन्होंने ही तो मुझे इसके काबिल बनाया है। भाई साहब इस बारे में सख्ती से पेश आना होगा, वरना इस बार फिर सप्लायर माल लेट भेजेंगे। और भाई साहब मेरी पहली कमाई की मिठाई आपकी पसंद की।